अस्सलाम वालेकुम माई YouTube फैमिली, वेलकम आप सबका मेरे चैनल पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ आपके होस्ट और दोस्त रिफत परवीन, रिफत किचन विद गार्डन से। तो ये आज मैं आपके लिए बहुत मजे की रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है पम्पकिन बर्फी। पम्पकिन बर्फी बहुत मजे की बनती है। ये उन लोगों के लिए या उन बच्चों के लिए जो पम्पकिन का हलवा या पम्पकिन का सालन नहीं खाना चाहते या पम्पकिन का सूप नहीं पीना चाहते, तो ये रेसिपी वो बना के उनको दें तो वो जरूर खाएंगे बर्फी। उनको विटामिन भी हासिल होंगे। तो उसके लिए मैंने 2 किलो पम्पकिन लिया, उसको अच्छे तरीके से धोकर उसको कद्दूकस कर लिया और एक पैन में मैंने थोड़ा सा ही 2-3 टेबलस्पून मैंने इसमें घी डाला और उसमें मैंने डाल दिया है पम्पकिन और साथ उसमें 2 कप दूध के डाल दिए हैं और इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे जब तक कि ये दूध खुश्क नहीं हो जाता। तो फ्रेंड्स, जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता हम इसको ढक कर पकाते हैं। तो ये देखिए, हमने इसको ढक कर पकाया तो काफी पानी इसका खुश्क हो गया। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे, तो शुगर हम इसमें 1 कप ऐड करेंगे। ये देखें, मैंने शुगर का पाउडर ऐड किया है 1 कप। ये आधा कप मैंने ऐड किया है जी, आधा कप इसमें ऐड किया है क्योंकि पम्पकिन खुद भी मीठा होता है। तो सारे कह रहे हैं कि आधा कप ऐड करें, ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए हमें। तो आप अपने जितना मीठा खाते हैं उस तरीके से आप उतना जो है ना शुगर ऐड करें, और शुगर भी पानी छोड़ेगा मेल्ट होके, तो उसका पानी भी हम खुश्क करेंगे। ये देखें, काफ़ी सारा पानी मॉइस्चर इसका खुश्क हो रहा है लेकिन अभी भी इसमें मॉइस्चर है। तो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। तो ये देखें, मॉइस्चर थोड़ा खुश्क हुआ तो हमने इसमें ऐड कर दिया है खुश्क मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मावा या खोया है तो आप उसको इसमें ऐड कर दें। अगर वो नहीं है तो आप इसमें ये खुश्क मिल्क पाउडर ऐड कर दें 1 कप के करीब। अगर आप ये भी नहीं ऐड करना चाहते तो सिर्फ दूध ज़्यादा डाल लें। तो इस तरीके से भी बहुत मज़े की बर्फी बनती है। तो ये मेरे पास खोया नहीं था तो मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है। इसको भी हम पकाएंगे, इसके लम्स तोड़ लेंगे सारे। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा जर्दा कलर ताकि थोड़ा सा अच्छा कलर नज़र आए। तो इसको हम लगातार पकाएंगे पानी के खुश्क होने तक, जितना भी इसमें पानी है या मॉइस्चर है जो भी है खुश्क हो जाए। तो इसमें हमने थोड़े से पिस्ते बादाम डाल दिए और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। बुरादे का नारियल का पाउडर भी हमने इसमें ऐड कर दिया, ये भी ऑप्शनल है। ये सिर्फ पानी के इस मॉइस्चर को जल्दी खुश्क होने में मदद करेगा और थोड़ा हमने गार्निश के लिए बचा लिया। तो इसमें हमने आधा टीस्पून ग्रीन कर्डमम ऐड की है पीसी हुई। आप इसमें साबुत भी तोड़ के ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, बल्कि आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई नई वीडियो आपको देखने को मिले। और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी मशकूर हूँ मैं, शुक्रिया जजाकल्ला। तो ये देखें, पानी काफ़ी सारा खुश्क हो गया मॉइस्चर और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है बर्फी का। तो इसमें मैंने थोड़ा और घी ऐड किया है, घी साथ साथ में थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ उसका एक अच्छी सी लुक आने के लिए, बर्फी में शाइनिंग आने के लिए और टेस्ट आने के लिए। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड किया है साथ, आपने देखा होगा केड़ा एसेंस, ये भी ऑप्शनल है। ये सिर्फ खुशबू के लिए ऐड किया है, बाजार जैसी खुशबू आएगी आपकी बर्फी से। तो ये देखें, तकरीबन ये खुश्क हो चुका है इसका सारा मॉइस्चर। तो हम अब इसको डिश आउट करते हैं। तो एक ट्रे में मैंने टिशू बटर पेपर लगा के थोड़ा सा उसको ग्रीस करके उसमें पिस्ता वगैरह ड्राई फ्रूट मैंने इस तरह डाल दिए हैं और इसके ऊपर मैं इसको सारे मिक्सचर को इस पर ऐड कर दूंगी और 1 घंटे के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। 1 घंटे के बाद मैंने काट कर ये देखिए बर्फी बना ली है। चूँकि मैंने अकेले ही इसको काटा है तो कैमरे को भी एक हाथ में पकड़ा हुआ था तो काटने की वीडियो नहीं बनाई। बहरहाल, ये बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है बर्फी और बहुत मज़े की। इसमें मैदा मैंने ऐड नहीं किया ताकि ये सख्त हो, अगर मैदा ऐड करेंगे तो ये सख्त हो जाता है। तो मैंने बिल्कुल प्योर पम्पकिन की बर्फी बनाई है, कोई इसमें मैदा शदा ऐड नहीं है सिवाए मिल्क पाउडर और फ्रेश दूध के पिस्ताज वगैरह के। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट और मज़े की बर्फी बनकर तैयार हुई है। इस तरीके से आप बर्फी बनाएं तो आपके बच्चे भी खाएंगे, पूर विटामिन से भरपूर ये बर्फी पम्पकिन की खाएँ। और मेरी पिछली वीडियो आप देखेंगे तो जिस पम्पकिन की मैंने ये बर्फी बनाई है, ये मेरे अपने गार्डन का पम्पकिन था, तो उसकी वीडियो भी मेरे गार्डन की जो प्ले लिस्ट है उसमें लगी होंगी। तो आप देख सकते हैं ये छोटा सा था तो कितने लाड मैंने बड़ा करके अब इसकी बर्फी बनाई है। इसके साथ मुझे इजाज़त दें बहुत सारी दुआओं के साथ। और आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे लाइक कमेंट एंड शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।